सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप गाइस कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में, एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे और हैप्पी रह रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में क्या एनर्जी, इसको चेक करूंगी। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पर्सन की भावनाएं ट्रू, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू भावनाएं आपके लिए। और अगर वो आपके साथ किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका उनके साथ ख़त्म होगा कि नहीं होगा? क्या ये जो इंतज़ार आप कर रहे हो, ये इंतज़ार और कितना लंबा होगा? क्या आपके इंतज़ार का अंत होगा, ख़त्म होगा आपका इंतज़ार? और क्या पर्सन की साइड से कोई कॉल या कोई मैसेज आएगा? और क्यों नहीं आ रहा है? अगर अभी तक नहीं आ रहा है कॉल या मैसेज तो क्यों नहीं आ रहा है? तो इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में आज की एनर्जीज में। तो रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होने वाली है, और टाइमलेस है तो एक फ़ायदा आपको यह है कि आपको जब भी मिलेगी तब आप देख सकते हो। और अगर मेरी ही रीडिंग आपको बार बार मिल रही है, सामने आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज है जो कनेक्ट हो रही है, और कोई मैसेज है आपके पर्सन का, कोई एंजल मैसेज है जो आपके सामने इसीलिए बार बार आ रहा है ताकि आप उस एनर्जीज को सुने। ठीक है, आपके पर्सन को कोई मैसेज हो सकता है जो कि आपके सामने बार बार आ रहा है, तो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। और अगर बिल्कुल पर्सनल तौर पर एकदम हर चीज़ को क्लियर जानना चाहते हैं आप, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप। ठीक है, सो 1000 रुपीज़ में टेक्स्ट मैसेज या कॉल रीडिंग कोई भी आप ले सकते हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है और क्या कुछ चल रहा है उनके दिलों में, दिमाग में, आपको लेकर उनका फैसला क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, और क्या वो जो इंतज़ार आप कर रहे हो, ये इंतज़ार सही कर रहे हो आप, क्या इंतज़ार करना चाहिए? देखो, समटाइम्स क्या होता है ना कि जिस रिलेशनशिप में आप हो या जिस रिश्ते में हो आप, उसमें इंतज़ार आप कर रहे हो, तो क्या वो इंतज़ार करना ठीक है आपके लिए? कहीं ऐसा तो नहीं आप इंतज़ार करे जा रहे हो, इंतज़ार करे जा रहे हो और वो नहीं आए? या ये भी हो सकता है कि आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो बट अचानक से वो कॉल कर दें, अचानक से वो मैसेज कर दें। तो क्या है, इस चीज़ को ही चेक करेंगे। ठीक है, तो पर्सन की फीलिंग्स को पहले चेक कर लेती हूँ और फिर आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। फोर ऑफ वैंड्स, अगेन वैंड्स, मैरिज को लेकर कोई बात हुई थी, कमिटमेंट, शादी को लेकर कमिटमेंट, या फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो, ये चीज दिखाई दे रही है। पेंटिकल की एनर्जीज में हो, टू ऑफ वैंड्स है, अगेन वैंड्स, ओ माय गॉड, अगेन वैंड्स, 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 क्या बात है भाई, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। ओके, ऐसा तो मतलब इतने टाइम हो गया मेरे को रीडिंग करते करते, फर्स्ट टाइम इस तरीके की एनर्जीज देखने को मिली। आई एम शॉकिंग गाइस, बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में जो उम्मीद आप खो चुके थे, वो उम्मीद आपकी लौट रही है। दूसरा मैं आपको बोलूंगी, आप यहाँ पर देख रहे हो वेंट्स और वेंट्स, ठीक है, फोर वेंट्स एंड टू वेंट्स, देखा ना आपने। एंड यहाँ पर देखो आप, नाइट ऑफ पेंटिकल सामने है आपके, देखो यहाँ पर है, आपको देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेवन ऑफ वेंट्स, अगेन यहाँ पर वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स, फिर नाइट ऑफ कप्स। बहुत बड़ा एंजल साइन है, बहुत ही बड़ा एंजल साइन है आपके रिश्ते में। जो ये एनर्जी जा रही है ना, एक तरीके से हैप्पीनेस दौड़ती हुई आपकी लाइफ में आ रही है। कोई है, कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और बहुत दिल से याद कर रहा है। कुछ तो है ऐसा जो आज उस इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो आपकी कमी है, वो कमी बहुत ज़्यादा वो फेस कर रहा है, वो इंसान, वो पर्सन, और आपको बहुत ही ज़्यादा अंतरात्मा से, दिल से वो याद करता है। भला ही हो सकता है, क्योंकि वेंट्स है तो वेंट्स किसी वेंट्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को तो रिप्रेजेंट करते हैं,
साथ साथ अगर बोले तो किसी गुस्सा नाराजगी को भी लेकर हो सकता है कि कोई नाराजगी होकर वो छोड़कर चले गए थे, गुस्सा होकर वो छोड़ गए थे, बात करना, गुस्से में बात करना बंद कर दी और सोचा कि मुझे अब बात ही नहीं करनी है, ब्लॉक भी कर दिया चारों तरफ से, है ना। पर अचानक से कुछ दिनों के बाद वो गुस्सा खत्म हो गई, वो गुस्सा तो शांत हो गई, लेकिन वो जो ब्लॉक कर दिया था वो खुद पर ही भारी पड़ रहा है कि हाय मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, है ना। क्योंकि रह ही नहीं पा रहे हैं ना, ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये पर्सन रह ही नहीं पा रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं नाराजगी भी है, कुछ कुछ ऐसी बर्डन भी फील कर रहे हैं, बर्डन है जिस बर्डन की वजह से भी आपकी रिलेशनशिप में एनर्जीज स्टक हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। शादी को लेकर मना किया था तो आप ये समझ लो कि शादी को मना तो कर दिया था दबाव में आकर, किसी परिवार के दबाव में, फैमिली के दबाव में मना तो कर दिया था, बट अगर दिल से पूछा जाए तो दिल से इनके आज भी आप हो, इनके दिल में आज भी आप हो, और ये तो आपको ही इतना पसंद करते हैं कि ये आपको लाइफ पार्टनर एक तरीके से अपना मानते ही मानते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो कनेक्शन जब आपके साथ जुड़ा था, या जो कनेक्शन, क्योंकि जो कार्ड आए हैं ना उस कार्ड के क्या कहने, जो कनेक्शन आपके साथ इनका जुड़ा है वो कनेक्शन बहुत ट्रू है, बट उसके बाद भी आज कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि आप लोगों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी उनका मैसेज नहीं आया है, बल्कि मैनिफेस्ट वो आपको इतना अधिक कर रहे हैं जिसकी वजह से हर टाइम आपको उनकी याद आती रहती है। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी अपने वर्किंग लाइफ हो आपकी, या कोई आप, मतलब एक होता है ना कि हर किसी की देखो कोई रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, तो कोई ना कोई, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हो, मैंने बोला ना आपके दिमाग जो है वो हर वक्त, क्योंकि वो इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, जो दिमाग है ना वो हर वक्त साइन देता रहता है आपके, और हर वक्त कुछ नंबर्स आपको दिखते होंगे, कोई ना कोई एंजल साइन, उनका नाम आपके कानों में सुनाई देना, है ना, कोई एंजल नंबर, एंजल नंबर 2744, या कोई नंबर सीरीज आपको दिखना, ठीक है, पक्षी का दिखना, बटरफ्लाई का दिखना, ठीक है, फ्लावर्स का दिखना, ये कुछ एंजल साइन है। किसी की शादी, अगर आप शादी चाहते हो और किसी की शादी अचानक आपको दिख गई, तो मतलब इट मींस कहीं ना कहीं आपकी शादी होते हुए दिख रही है, तो मतलब आपकी शादी का इनके साथ योग है। लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में लौट रहे हैं, मुझे जो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है एनर्जी, और ये इतना ज़्यादा इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, ये इतना ज़्यादा पछता रहे हैं आपका साथ छोड़कर, इतना हर्ट हो रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इनके सर पर, जिम्मेदारियां हैं, आपकी भी जिम्मेदारी हो सकती है और कोई और भी जिम्मेदारी है इनके परिवार की, इनकी फैमिली की, वो जिम्मेदारियों की वजह से भी थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हैं। क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है कि वो जिम्मेदारियां या वो बर्डन इनको आपसे दूर, मतलब आप वो उनसे दूर नहीं होने दे रहा, बट आपके साथ इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा है दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको लेकर भी इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही जिसको वो निभाना चाहते हैं, ठीक है। लिव इन में रहे हो, ये किसकी एनर्जीज है, लिव इन में रहे हो, लंबे टाइम तक लिव इन में रहे हो, और एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल मेंटली फिजिकली स्ट्रोंग रिलेशनशिप में रहे हो, स्टडी की है एक साथ, या फिर एक साथ जॉब की है, वर्किंग प्लेस एक साथ दिख रहा है, या तो जॉब की है या फिर स्टडी एक साथ की है, या फिर कोई बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर गए थे, दोस्ती हुई, रिलेशनशिप हुआ, नज़दीक आए, बहुत क्लोज रहे, सडन ही ब्लॉक कर दिया, सडन ही दूर हो गए, है ना। सडन मतलब एक ऐसा, इस तरीके का चीज़ें आपके सामने आई हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ठीक है।
परमात्मा ने मिलाया है, लेजीनेस का कार्ड भी आ गया है भाई, तो परमात्मा ने मिलाया है। ट्विन फ्लेम निकल कर आ रहे हो, ठीक है, मैच्योर एनर्जीज में दिख रहे हो, कहीं कहीं बहुत मैच्योर हो आप। और लेकिन फिर भी मतलब आपके पर्सन, क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ उसके हिसाब से आपको ये कांटेक्ट इनको करना चाहिए, और ये कांटेक्ट आपको आपके साथ अपने जो भी इनका कन्वर्सेशन था, जो भी आपके बीच में बातचीत होती थी, वो दोबारा से रिस्टार्ट का योग दिख रहा है। और कार्ड के हिसाब से मैं जहाँ तक देख रही हूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पीछे तो बहुत रोते हैं ये आपको, आपके साथ मतलब इनका जो रिलेशनशिप इस वक्त अगर नो कांटेक्ट में चल रहा है तो पीछे बहुत रोते हैं, ये बहुत रोते हैं, फीलिंग अलोन है, अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचा है, बिचारा है, समझा है, फैसले डिसीजंस लिए हैं कि नहीं आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, कुछ भी हो जाएगा आपको तो अपनी लाइफ में इनको रखना ही रखना है। तो मतलब एक होता है ना कि अंदर से हम कितना चाहते हैं किसी को, ठीक है, कितना चाहते हैं हम किसी को, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको इतना चाहते हैं ये, इतना चाहते हैं कि अपनी फीलिंग भले ही वो इतना शेयर नहीं करते हों, लेकिन जब आपसे दूर हो गए हैं ना तो वो दूरियाँ इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है। तो अभी कुछ वैसे एनर्जीज भी आ रही है, कहीं कहीं देखो आ रही है कि आपका मिलन होगा, परमानेंटली आपका मिलन होगा। द क्रिएटर का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि परमात्मा ने मिलाया ही आपको इसीलिए है कि आप लोग एक हो जाओ, है ना। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके बीच में जो कि आप एक दूसरे के साथ अपनी शेयर कर लेते थे, मतलब एक अच्छी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी गहरी मित्रता, दिल से कनेक्शन, लव पार्टनर आपका था ये पर्सन, है ना, जिसके साथ मतलब आप कंफर्ट महसूस करते थे, है ना, जिसके होने ना होने का फर्क आपको ऊपर पड़ता था। इनका भी मुझे यही हाल दिखाई दे रहा कि अगर आपसे बात नहीं करते तो एकदम बेचैनी सी होने लगती थी कि मैं क्या करूं, तुरंत कॉल मिलाना, तुरंत मैसेज करना, तुरंत सारी बातें करना, कुछ भी होकर कह देना, शेयर करना, छोटी बात बड़ी बात, मतलब जो भी चीज़ें हैं, वीडियो कॉल करना, मैसेजेस करना, घंटों रात रात भर बातें करना, मतलब दोस्ती हो तो ऐसी, प्यार हो तो ऐसा। क्यों था ऐसा इतना प्यार? क्योंकि द क्रिएटर का कार्ड है, ईश्वर ने मिलाया था, यूनिवर्स का साइन था ये पर्सन आपकी लाइफ में, और बहुत ही मतलब आप दोनों का मिलन एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना गाइज जिनको इतना ज़्यादा आप नहीं कह सकते हो जितना आप महसूस कर सकते हो। तो आपने इनके प्यार को महसूस किया था डेफिनेटली, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है प्यार को महसूस किया था आपने इनको इनके, और आज ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है कि ना बात होती है, ना कोई कॉल आता है, बल्कि अगर आप कोशिश भी करते हो कि हाँ कुछ तो बात हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो क्लियर हो जाए, किस बात की वजह से गुस्सा है, नाराज़ है, वो तक नहीं बताते हैं आपको, बल्कि आप कॉल करोगे तो इनका एक रूखापन, इनका एक ऐसा बिहेवियर आपके सामने आता है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन फिर भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखो आना तो चाहते हैं आपके पर्सन, मैं आपको ये बोलूंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, थर्ड पार्टी की पूरी ब्लैक एनर्जीज है, और इनका मूड बहुत स्विंग जो हो रहा है आजकल, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हो तो आप खुद महसूस करोगे इनका जो मूड है वो आपके लिए बहुत स्विंग होता है। मतलब वैसे भी ये जिस तरीके से पहले बोलते थे, जिस तरीके से ये पहले बात करते थे, वो सब ना करके बहुत ही अजीब सा बिहेवियर इनका आपको दिखने को मिलता है। बात तो करते ही नहीं है ज़्यादा, इग्नोर करना या थोड़ा बहुत कभी कह दिया तो, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखो आपको ना एक दूरी सी महसूस होती है इनके अंदर, है ना। तो दूरी सी जो महसूस होती है वो दूरी निगेटिव एनर्जीज की वजह से है, और दबाव है इनके ऊपर, दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है, बर्डन है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है उस हिसाब से तो इस पर्सन को आपके लाइफ में होना चाहिए था भाई, ठीक है।
आपकी लाइफ में होना चाहिए था इनको, क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो ईश्वर की मर्जी से है, और कहते ना कि जब ईश्वर की मर्जी होती है तब चीज़ें, तो आपका तो रिश्ते में ईश्वर ईश्वर का पूरा इन्वॉल्वमेंट, ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, पास्ट कनेक्शन है। आप देखो कार्ड, पास्ट कनेक्शन भाई, कार्ड के अकॉर्डिंग हमें जो एनर्जीज मिलती है उसमें आपका रिश्ता पास्ट से रिलेटेड लग रहा है, जैसे कि मतलब पास्ट में आप एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को के करीब थे, एक दूसरे के लव बर्ड्स थे, है ना, पति पत्नी थे, या एक दूसरे की बहुत केयरिंग एनर्जीज में थे, ट्रू सोल थे आप, तो सेम वो फीलिंग्स तो आपको डेफिनेटली होती थी, बट रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये रियूनियन के चांसेस होना चाहिए, आपका रियूनियन होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर कोई निगेटिव एनर्जीज हैं जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, स्टक एनर्जीज है, तो वो एक अलग बात है कि थर्ड पार्टी ने एनर्जीज ही निगेटिव कर दी हैं, और बहुत बहुत अगर ऐसा है तो फिर आपको फिर उपाय करने चाहिए थर्ड पार्टी के, ताकि थर्ड पार्टी छोड़े रिश्ता और आपका दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। क्योंकि देखो आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं तो आपके लिए दिख रही हैं, थर्ड पार्टी ने तो मिसगाइड किया है, और मिसगाइडेंस की वजह से वो आपका साथ छोड़ दिया है उन्होंने, लेकिन जो प्यार और जो ट्रूनेस आपके लिए है ना गाइस, वो ट्रूनेस किसी के लिए नहीं है। आज भी अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको ही प्यार करते हैं, है ना, और इनकी जो ट्रू फीलिंग्स, मैंने बोला ना आपसे कि अकेले में बैठ कर ही इंसान रोता है, आंसुओं से रोता है ये पर्सन, क्योंकि जो दबाव, जो बर्डन दिख रहा है, उस दबाव बर्डन की वजह से बोल भले ही आपसे नहीं रहे हैं, कुछ अपने दिल की कह भले ही आपसे नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन अंतरात्मा से तो वो आपको ही चाहते हैं, अंतरात्मा से तो वो आपको ही प्यार करते हैं। जो एक्साइटमेंट उनकी दिल में आपके लिए है वो किसी के लिए नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर कहीं कहीं देख रही हूँ कि फैमिली बहुत जोर जबरदस्ती करके इनका रिश्ता कर रही है, फैमिली का फैमिली के बर्डन की वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में जा रहा है। तो पीछे का जो उनका हाल दिख रहा है मुझे, वो हाल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला दिख रहा है। दिन रात आपके बारे में सोचना, दिन रात देखो लिव इन में रहे हो, मैंने क्या कहा है आपसे, सोशल मीडिया के ऐप से आप मिले हो और कॉन्टेक्ट आपका हुआ है, प्यार आपका आगे बढ़ा है। आज मैं जो देख रही हूँ उसमें आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, और बातचीत नहीं हो रही है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रेस इतना ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए ये कार्ड आया हुआ है, क्योंकि पर्सन स्ट्रेस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, किसी थर्ड पार्टी या किसी फ्रेंड्स की कहने की वजह से आप दोनों के बीच में, फैमिली भी हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो कोई हो ही नहीं सकता किसी और के लिए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा उसके साथ रिलेशनशिप खराब है, थर्ड पार्टी के साथ और थर्ड पार्टी के रिश्ते की वजह से ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कहा है थर्ड पर्सन ने, इतना मिसगाइड कर दिया है, इतना ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी हैं आपके बीच में, कि जिन दूरियों की वजह से ही स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। पाना आपको चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। अगर कार्ड को देखा जाए तो कहना का मतलब मेरे का यहाँ पर यह है कि इंतज़ार आपको, जो आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आएंगे, तो कार्ड के हिसाब से तो उनको आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों के बीच में एनर्जीज है कि मिलन होना चाहिए, मिलन है। पहली चीज़ तो आपको अलग ही नहीं होना चाहिए था, कार्ड तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि अगर आप आज अलग हो तो क्यों हो, समझ ही नहीं आ रहा, कार्ड के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हाँ, थर्ड पार्टी है और ब्लैक एनर्जीज है, मैंने बोला कुछ नेगेटिव एनर्जीज है तो कह नहीं सकते, वरना कार्ड के हिसाब से तो आपका मिलन होना चाहिए। मैरिज के चांसेस फुल दिख रहे हैं, रियूनियन के चांसेस फुल दिख रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपको रियूनियन नहीं हो रहा है तो बहुत ही अजीब बात है ये, ठीक है। क्योंकि भाई कार्ड में आप देखो, द क्रिएटर का कार्ड है, परमात्मा ने आपको मिलाया है, जो इंतजार आप कर रहे हो वो इंतजार होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो रियूनियन पॉसिबल दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली रियूनियन है। पास्ट पर्सन है, एक्स है, ये कौन है, ये पर्सन डेफिनेटली कम बैक होने की स्थिति में दिख रहा है, इसका आपके साथ रिश्ता जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया।
फिर भी अगर एनर्जीज अटक रही है, स्टक हो रही है, तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इसी की वजह से पूरे रास्ते बंद है, ब्लॉक है, ये चीज दिख रही है। ठीक है, तो राशियां है यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर है, मेष है। ठीक है, राशियां मैं जो बता रही हूँ वो राशि आप देख सकते हो, सन साइन में उससे भी देख सकते हो। कैंसर है, जैमिनी है, सिंह है, लिब्रा है। ठीक है, ये राशियां यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। ठीक है, अल्फाबेट यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, सी एल के आर है, वाई एम है, ई है, सी है, एन है, और जेड और एक्स है। तो आप ना, अगर आपको राशि नहीं मिलती है, आपको अल्फाबेट भी नहीं मिलते, तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो कि एनर्जीज कितना मैच कर रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़रूरी है मैच करना। अगर एनर्जीज मैच नहीं कर रही है तो फिर तो बात ही अलग है, एनर्जीज मैच कर रही है कि नहीं, आपके पास्ट के, प्रेजेंट के, या सिचुएशन के साथ कितना मैच कर रही है। तो फोर ऑफ वैंड से एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है जो कि आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। स्ट्रेस का कार्ड है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है फिर भी अगर आपके साथ रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर इतने सुंदर कार्ड आने के बाद भी कहीं ना कहीं तो फिर कुछ ऐसा है जो आपकी तरफ एनर्जीज को रोक रहा है, स्ट्रक है, थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ तंत्र मंत्र हैं, ब्लैक एनर्जीज हैं, या फिर एनर्जीज स्ट्रक है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, कितना आपके साथ कनेक्ट किया है बताइएगा। 9540111965 पर अगर आपको डिटेल्स में रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।